नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर टीए आर्मी की ओपन भर्ती 2020 या दोस्तों आप सभी के यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर इसकी दिनांक की घोषणा हो चुकी है, यानी कि अब की कब रैली होने वाली है और कहाँ पर आपकी यहाँ पर रैली जो है होने वाली है, इसकी यहाँ पर पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो चुकी है। तो हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप यहाँ पर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये पूरी वीडियो रहने वाली है। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि रैली जो है अप्रैल से शुरू हो रही है और कब तक ये चलने वाली है और किस राज्य की यहाँ पर कब रैली होने वाली है, आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी बता दें, जितने भी यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट हैं और उनकी 18 से 42 वर्ष के बीच में एज है, तो उस वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की ओपन रैली दोस्तों होने जा रही है। तो 2020 की अपकमिंग वैकेंसी है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, तो बने रहिएगा वीडियो में, सारी जानकारी आप लोगों के यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। आप सभी को हम सबसे पहले अपडेट्स देते हैं, शेयर आप एक जरूर कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पर हम आप सभी को एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए एक नया चैनल सरकारी नौकरी बना दिया गया है। यहाँ पर आप सभी को 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की अपडेट्स सबसे पहले मिलती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो अभी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीए आर्मी ओपन रैली भर्ती 2020 ऑल जोन वाइज लेटेस्ट भर्ती शेड्यूल जारी। तो दोस्तों यहाँ पर टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली भर्ती 2020 का लेटेस्ट भर्ती शेड्यूल जारी किया जा चुका है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपका राज्य किस जोन में आता है, साथ में आपके यहाँ पर जोन की कब और कहाँ पर रैली होने वाली है, पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बेशक थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, किसी प्रकार की आपके मन में इसके बाद में शंका नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली प्रादेशिक सेना खुली रैली ज्वाइन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020-21 ऑल ओवर इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन रैली रहने वाली है, तो आप यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्जर पद के लिए अगर आप यहाँ पर रैली में शामिल होना चाहते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है 45% मार्क्स के साथ में, और इसके अलावा आप यहां पर हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए यहां पर भर्ती में जो है शामिल होना चाहते हैं तो आपका यहां पर 12वीं होना अनिवार्य है और आपका यहां पर 50% मार्क्स जो है 12वीं में अगर आप गेन किए हैं यानी प्राप्त किए हैं तभी आप यहाँ पर जो है क्लर्क पोजिशन के लिए जा सकते हैं। और हाँ, कम से कम आपका यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में 12वीं के 40% मार्क्स भी होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, रैली में शामिल होना चाहते हैं, तो आपने अगर यहाँ पर 8वीं किया है या फिर आपने 10वीं किया है या फिर ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पर ट्रेड्समैन पद के लिए रैली में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिक्वायर्ड जो एज है यानी उम्मीदवारों की आवश्यक जो आयु है वो कम से कम यहाँ पर 17.5 वर्ष रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल यानी 17.5 से लेकर आपकी यहाँ पर 42 वर्ष की जो है एज लिमिट यहाँ पर आपकी मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो देखिए, यानी सिलेक्शन प्रोसीड्योर यानी कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में आपके यहाँ पर रेस करवाई जाएगी, बीम लगवाए जाएंगे, चेस्ट एक्सपेंडेड टेस्ट होगा यानी कि आपके यहाँ पर सीना फुलवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप करवाई जाएगी। तो ये है आपका पूरी तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपका राज्य किस जोन में आता है, साथ में आपके जोन की कब और कहाँ पर रैली जो है वो होने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपकी पूरी टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2020-21 का जो आपका भर्ती का शेड्यूल है वो यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, नीचे हम आते हैं, आपका राज्य जो है किस जोन में आता है उसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी से आगे आपको यहाँ पर पूरा पता चल पाएगा कि आपकी जो भर्ती है कब और कहाँ पर होने वाली है। तो देखिए, जो जोन वन के यहाँ पर राज्य हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, ये इतने राज्य जो हैं जोन वन में आते हैं।
इसके अलावा जो जोन टू के राज्य हैं ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा जो जोन थ्री में आते हैं वो हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके अलावा जोन फोर के आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा हो गया, इसके अलावा यहाँ पर पौंडीचेरी। तो ये हो गए आपके कुल मिला के चार जोन, जिसमें आपके यहाँ पर जो इन जोनों की जो रैली जो है कहाँ पर और कब होने वाली है, अब यहाँ पर हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट जोन वन की बात करते हैं, तो देख लीजिए आप यहाँ पर यूनिट यानी कि आपकी भर्ती जो है यहाँ पर होने वाली है 103 इन्फेंट्री सिखली में होने वाली है, जिसमें आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं जीडी की 54, क्लर्क की 4, ट्रेड्समैन की 18 और आपकी रैली डेट जो होने वाली है ये 22 अप्रैल से आपकी रैली शुरू हो रही है और 1 मई 2020 तक आपकी रैली चलेगी। कहाँ पर रैली होने वाली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लुधियाना में होने वाली है 103 इन्फेंट्री सिखली में, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 162 इन्फेंट्री बटालियन टाक TA जैकली, इसमें आपके यहाँ पर 2 मई से आपकी भर्ती स्टार्ट है, 10 मई तक चलने वाली है, जैकली सेंटर श्रीनगर में। 157 इन्फेंट्री सिख की बात करते हैं तो इसमें आपके 6 मई से 15 मई तक चलने वाली है, BD बरी में, ठीक है। इसके अलावा 163 इन्फेंट्री बटालियन के सिखली में होने वाली है 11 मई से 21 मई तक हैदरबैग में। तो ये आपके हो गए कुल मिला के जोन वन के राज्य की भर्ती कहां पर होने वाली है, ये हमने आपको जानकारी दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए जोन टू में आने वाले राज्यों की कब और कहां पर भर्ती होने वाली है। तो जोन टू में जितने भी राज्य हैं आपको पता होगा आप किस जोन में आते हैं, हमने आपको पहले ऊपर बता दिया है। अब यहां पर आप देख लीजिए 120 इन्फेंट्री बिहार में आपकी जो है रैली होने वाली है 17 मई से लेकर 23 मई से भुवनेश्वर में, ठीक है। तो भुवनेश्वर में आपकी जो है ये आपकी इन्फेंट्री बिहार होगी जहाँ पर आपकी रैली जो है होने वाली है। इसके अलावा आपके यहाँ पर 114 इन्फेंट्री जाट की होने वाली है 15 से 23 मई फतेहगढ़ में, 153 इन्फेंट्री TA जाट होने वाली है आपके यहाँ पर 8 मई से 16 मई डोगरा ग्राउंड फैजाबाद अयोध्या में। अब यहाँ पर जो जोन थ्री की बात करते हैं तो 107 इन्फेंट्री 11 GR की होने वाली है 19 मई से 26 मई तेजपुर असम में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस राज्य में आते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपकी जोन फोर की, तो जोन फोर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 109 इन्फेंट्री मराठा ली की होने वाली है कोल्हापुर में 22 मई को, ठीक है। तो अपने राज्यों को आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा और अब यहाँ पर आप पूरी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कब और कहाँ पर रैली होने वाली है। आप सीधे ही यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और आपको सीधे यहाँ पर भर्ती में जो है शामिल हो जाना है, ठीक। तो ये थी पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।